Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. के अंदर एक ही प्रोसेसर लगा सकता हूँ मैं, देख रहा हूँ कौन सा सबसे अच्छे वाला लगे उसमें, यही सर्च कर रहा हूँ अभी। मेरे पास 7-8 हज़ार मैं भावलपुर में हूँ। यानी आप डॉक्टर दिशान के इलाके के? ठीक, इतना ज़्यादा बजट नहीं है, बस मेरे से सीपीयू अपग्रेड कराने जितना ही होगा, एक हाथ बस। ठीक, सब कुछ नजर आता है। वाह, गेमिंग पीसी के होते हैं ऐसे ही है बात है। देखने में भी यूनिक रखता होगा। मदरबोर्ड अपग्रेड कराने में कितना एक हो जाता है, यानी मदरबोर्ड है ये फोर, यानी मैं, मेरे पास ये है, पूरा सेल करके नया लेना चाहिए या सिर्फ सीपीयू अपग्रेड कराना चाहिए 400? और ये तो बहुत लंबा रोल है। फिर आप लोग करते क्या हो?
हम लोग कमाल करते हैं। आप दोनों यानी स्टडी है जॉब है क्या? वेल डन, और मैं वेला यानी पढ़ाई या कुछ भी नहीं, मतलब एनीथिंग? पढ़ाई की है लेकिन वो रह गई थी, तो फिर मुझे गैरत आ गई है, मैंने दोबारा नहीं की। तो जॉब का अभी तक शुरू नहीं हुआ सिलसिला, मैं शुरू करना है, इरादा है मेरा, कोई आर्मी का हो जाए या कहाँ कुछ भी हो जाए। तक पढ़ा है? मैंने एफए मेरा कंटिन्यू करना है मैंने, तो लास्ट में भी 2 साल मेरे ज़ाया हो गए थे। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ा था ना, सप्ली आई है, तो मेरे 2 साल ज़ाया हो गए। यार मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। पता है स्टूडेंट के हालात में कितने कहाँ पैसे आते हैं इतने। नहीं, अल्लाह करता है आ अभी मैं जाते हैं। अपवर्क वगैरह पे जॉब दे रहा हूँ, अपवर्क वगैरह पे जॉब देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, अभी तक एक भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। तो कोई स्किल वगैरह जी, इसे देखोगे ना आप, इसका रिव्यू देखोगे ना, तो देखना ये कैसे बनाया है यार कंपनी वालों ने, खीर कर गए। ये तो कावासाकी जा 150 आ और ये गया। बाइक निकल आई है, तो वर्क स्टेशन लिखना आगे, एचपी लिख ले। Let's fight together. इसमें लगा ये कंट्रोलर भी है, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, मोड। तो ये गेमिंग पीसी ज़्यादा हैवी होते होंगे बजाय इस प्रोफेशनल पीसी के। तो नहीं, प्रोफेशनल ज्यादा हैवी होते हैं। मैं बताता हूँ ना, अगर तो नहीं, अभी आप आपने बता रहे हैं स्पेसिफिक ट्वेंटी लेना है फोर ना, जी बी रैम है। जी, मैं बताता हूँ आपको। सही। अगर तो आपने डालना है बर्डन, मतलब अन्यवाह जिसको कहते हैं, चलाना है 24 आवर चलाना है, तो गेमिंग पीसी उधर फारिग हो जाता है, ठीक है ना। हाँ मतलब सही है। जिधर नो माइनिंग होती है, मतलब माइनिंग में देखो ना आप किस तरह चलते हैं पीसी, फुल गर्मी में, बिल्कुल मतलब कोई उधर बात नहीं है, एसी जैसी कोई वेंटिलेशन नहीं है, रेगुलर चलते हैं। या कोई बैंक डेटा होता है, जिस तरह बैंकों में लोगों ने रखे होते हैं ना ऐसे ही होता है। सर्वर हाँ वगैरह, बिल्कुल देखें उधर कितना बड़े चलते हैं, सर्वर लाइट होते बंद ही हैं नहीं ना वो होती। जी सारे। जी जी अब हम वही यूज़ कर रहे हैं ना, फोन हम लोग ऑफ भी तो ऑन वही मी। यूज़ कर रहे हैं। हाँ ये Z400 है, वर्क स्टेशन है, जी, तो लेकिन ये कि ये गेमिंग के लिए इतना फोन अच्छा ऑन नहीं है, इसमें सेवन कोई जी शक ठीक नहीं है, लेकिन ये कि ये बजट में आता है, यही बात और है। कोई लेकिन मसला गेम नहीं भी है। तो इतनी अगर हैवी नहीं है, गेम भी तो इतनी हैवी नहीं है ना, मतलब उस तरह से गेम वैसे इतनी ज़्यादा हैवी है भी जी नहीं, जी लो स्पेक्स पे ही खेलते हैं वैसे भी। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, वर्क का बर्डन बेसिक जो बहुत चीज़ होता होती है ना गेम में, गेम में सिंगल कोर परफॉर्मेंस है ना, जो वो चाहिए होती है, वो इनकी काम है, प्रोसेसर की, मेरी भी काम है, आपकी भी काम है, ठीक है। तो जो होते हैं ना गेमिंग के लिए सही हो गया। स्पेसिफिक बनते हैं, जो उनकी कोर परफॉर्मेंस, सिंगल कोर की बात कर रहा हूँ, वैसे इसमें कोर ज़्यादा होते हैं हमारे वाले में, लेकिन वो सिंगल कोर उसके ज़्यादा होंगे, अपना i7 आई सीरीज के सबसे ज़्यादा हैं, जो प्रोसेसर में आई सीरीज है ना उसके ठीक कोर्स सबसे ज़्यादा हैं, राइजन से भी ज़्यादा है। नाइस। फिर कौन सा AMD चलता है गेमिंग के लिए? नहीं यार, AMD ग्राफिक कार्ड है ना, जो ग्राफिक कार्ड अब इन्होंने अच्छे कर दिए हैं वैसे काफ़ी, लेकिन ये प्रोसेसर इनके कामयाब हैं राइजन के गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करो ना, तो वो दुनिया में इस टाइम टॉप पे एनवीडिया ही जा रहा है, एनवीडिया के ज़्यादा अच्छे हैं, महंगे हैं, कॉस्टली मैं तो हैं। जब लेने गया था सिस्टम, मुझे पता ही नहीं था, मैं मार्केट में घूमा हूँ 5-6 जगह से पता किया है। हालांकि लेना मैंने कोर i9 था, मेरा बजट उतना था, लेकिन उससे पहले मैं बाजार की तरफ चला गया।
सही तो मेरा बजट कम हो गया, तो मुझे बड़ा अफसोस लगा है क्योंकि और i9 भी, लेकिन फिर मैंने इसी को अपग्रेड थोड़ा सा किया, मैंने कहा आप चलें ग्राफिक कार्ड लगा दें, 16 GB रैम लगा दें और 1 TB जो है वो हार्ड डिस्क। तकरीबन साल पहले मुझे किसी चीज़ का कख भी नहीं पता था, मुझे तकरीबन इतना भी नहीं पता था ग्राफिक कार्ड होता क्या करता क्या। मैं तो ऐसे ही ले मेरा आया था, अपना भी मैं याद है पहले अभी तक ये याद है मेरा। यार, मैं बताता हूँ ना, जब मैंने ये पहला पीसी लिया, मेरा दूसरा पीसी है, ये मैंने पहला पीसी लिया था ना, मुझे भी कख नहीं पता था। सिर्फ मैंने मोबाइल पे गेम खेली है, तकरीबन कोई 20 दिन खेली होगी। तो माशाल्लाह मेरा काम है, मैं कमाता हूँ खुद, जी तो 20 दिन के बाद ऐसा इसका जी मुझे ना माशाल्लाह नशा हुआ है कि मैंने कहा कि यार नहीं, पीसी बनवाना है। पीसी पे मैं भाई बाजार गया हूँ, ये 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जाके 60-70 हज़ार का उस टाइम पे पीसी लिया था। अब महंगे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। सही हो। अब महंगे हो गए हैं, जब मैंने लिए थे ना तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं, इतनी रेंज थी मेरी भी 70-75 K के दरमियान, A to Z सारा मिला के। तो मेरा तो 24 का बना हुआ सिर्फ। अच्छा मज़े की बात है, जो इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था ना Core i3, तो उस पर भी ऐसी गेम होती थी, इस पर भी वैसी होती है। गेम में इतना फर्क मुझे भी नहीं देखने का आया, मैं लैपटॉप में खेलता था तब भी ऐसी ही थी गेम, I got इसमें भी ऐसी supplies. है। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर वगैरह का पता पता चलता है जब नहीं बंदा अब। एडोब से I got supplies. सॉफ्टवेयर चलाता है, एडोब After Effects नहीं, चलाता गेम है, का भी कोई फर्क फोटोशॉप पड़ता है। चलाता है मेरी तो पता बात सुनो, चलता है। आपके दोनों जिस में से टाइम एनवीडिया आपके पास है ना, कौन से नंबर वाले के पास है एनवीडिया मेरे पास है का? नंबर टू नंबर के। टू के ठीक है, आपने इसके में ना, आपको सेटिंग करवाता हूँ, ठीक है? आप वो सेटिंग करोगे, आपने बल्कि शायद की हो, आपका आपने इसकी सेटिंग की है ओपन जी एल पे, अपने उसकी मैंने उसपे ग्राफिक एक ऑटो की। पे की हुई है। आप इसका ओपन जी एल पे करो, इतना मज़ा करवाएगा ना आपको, ये आपकी सोच है। पहले काफी दफा किया, दो दफा तो मैंने दोबारा रीइंस्टॉल किया गेम को, नहीं, आप ओपन जी एल बूटअप पे किया खेलो। आप इस दोबारा। टाइम गेम किस मोड पे खेल रहे हो, डायरेक्ट एक्स पे खेल रहे हो या ओपन जी एल पे खेल रहे हो? मैं ऑटो पे खेल रहा हूँ, पता नहीं किस पे चलाया उसने। अच्छा, नहीं, आप इसको ओपन जी एल पे सेलेक्ट करो, और उधर से ग्राफिक कार्ड में भी जाके ओपन जी एल सेलेक्ट करो। गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, बहुत ज़्यादा, करके देखना। एक मिनट, अच्छा मैंने गेमिंग किया हुआ है ग्राफिक ग्राफिक कार्ड कार्ड में में ओपन जाके। जी एल कहाँ मैं ना, सेलेक्ट आप मुझे करूँ, नंबर मैं दो, मैं आपको एक ऑटोमेटिक। लिंक सेंड करता हूँ, छोटी सी वीडियो होगी, बंदा आपको बताएगा सारा। आपने जस्ट वो ना वही चीज़ें करनी है, तो आप देखोगे अपनी गेम कितनी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी गेम। ठीक लोबी जाएगा ना, मुझे नंबर देना, मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा उसका, ठीक है? यही कर दिया सेंड। खैर, मैं अभी नोट कर लूँ, तो मोबाइल वो मेरे मेरे लिए पास भी ही है। एक फायदेमंद होगी या सिर्फ इनके लिए? मिनट, मैं देखूँ जरा चैट में। अच्छा, 0312-68, या मैं वीडियो सेंड कर दूँ आपको, नहीं तो 68043। कर दो सेंड, लिंक सेंड कर दो, वीडियो सेंड कर दो, जो दिल करे। नेम क्या आपका? मुराद बिन आमिर, बस मुराद ही लिख लो। ठीक मुराद पबजी लिखने लगा। है, ओके, लो मैं लोबी जाके ना आपको लिंक सेंड करता हूँ। यार आराम से सेफ लेके जाओ, कंप्यूटर पे मैं रखे हो ना, इधर कंप्यूटर ही। स्क्रीन पे, ओबीएस स्क्रीन पे है, ग्राफिक्स मोड पे, बाकी स्टाइल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये कलर स्कूल और वो जो स्टाइल है रियलिस्टिक मूवी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर बंदे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं आपको सेटिंग करके दूंगा, आप इस पे गेम खेलिए, आप याद ही यार उधर फायर ना दो, इधर उनको पता चल जाएगा बंदों को। आ जाओ मेरे पीछे आओ, वो आप लोग तो उधर जा रहे हो।
अकेला चला गया हूँ मैं, देखो नहीं ले मैं आ जाऊँ। अब भी पीछे आ रहा हूँ। नहीं, मैं भी आ ही रहा हूँ। बंदे मेरे पास हैं, बंदा मेरे पास है, जल्दी से आओ, जल्दी से, ऊपर से हूँ नीचे से हूँ? जल्दी से आओ, जिधर से भी आना है। चले मैं आ गया पहुंच के। मार्क लगाया हूँ मार्क वहां पे। करो। इधर ही, इधर ही है कहीं पे बंदा, इधर कहीं पे, मार्क द लोकेशन। इधर ही कहीं पे। इकट्ठे इकट्ठे पुश करो, इकट्ठे पुश करो, देखो आगे इधर ही होगा, लेटा हुआ कहीं। आप जाओ आगे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, ये कंफर्म। अरे मार भी गए तो कोई नहीं। देखिए नहीं 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 मैं नहीं जा रहा हूँ। ये जा रहा, इधर है बंदा, इधर है, इधर है, इधर है, वो सामने, वो सामने। पीछे गया पहाड़ी के, एनिमीज अहेड। उसके बाद ग्लेशियर है। कोई मसला नहीं है, मेरे पीछे आओ। वो इधर है भाई, बंदा इधर है, इधर है, जिधर मैं हूँ। एक नहीं इस है, वाले को, स्क्वाड इस है। वाले को पत्थर मारो के ना, पीछे भी है, वही इस उधर वाले को सामने मार भी लो है। पहले भाई, पीछे आ जाओ पहले। वापस ओके, आ रहा ये हूँ गया, क्योंकि ये हम गया, स्क्वाड के। ये गया। ओके ओके, चलो अब। चला गया। हमारे जी, पूरा कर दिया मैंने। ऊपर पूरा स्क्वाड है, बहुत बड़ा कोई स्क्वाड है, मसला नहीं, छह कोई बंदों का मसला नहीं, स्क्वाड है। कोई मसला नहीं, आ गया मैं। अरे देखा, यही था स्क्वाड था। ये कहाँ पे है? नीचे। अच्छा ठीक मेरे है पास ठीक है ठीक है। ओ भाई साहब, नाम चेक करें, उसने पेशी कर दी है। मैं अकेला बचा हूँ अब। ओके इसको, ओह पेश कर दी। अच्छे तो नहीं हो आप, वही क्या इधर से आ बचे? गया। आ जाओ, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, बल्कि आपकी सेटिंग करवाता हूँ, फिर आप खेलो जरा। अच्छा मेरी बात सुनो, अपना अपनी ना इसकी गेम लूप की सेटिंग खोलो जरा, मैं आपको सारी सेटिंग करवाता हूँ। सेटिंग खोलो, सेटिंग्स खोल खोल ली है? ली। ठीक है, इसको ओपन जीएल पे करो, दूसरे नंबर पे आके ना उसको ओपन जीएल पे ओपन सिलेक्ट जीएल करो। प्लस ठीक है। ओपन जी नहीं, ओपन जीएल होगा, ओपन जीएल प्लस नहीं, अपडेट नहीं किया आपने इसको, गेम लूप को। अपडेट ही किया हुआ मेरे को तो ओपन जीएल प्लस शो करा रहा है। एक मिनट ओपन ठहरो, जीएल हो गया। एक मिनट ठहरो, मैं देखूं जरा, प्लस आता है। जी, ठीक है, प्लस ही। अच्छा ठीक है, उसके नीचे आपने सारे टिक कर दो, जितने भी है ना सारे टिक हैं, देखो हो गए, हो गया। ठीक है, मैं उसके इसको नीचे खुद आ आ रहा जाओ, उसको एंटीलाइजिंग ऑफ रहने दो। आपकी रैम कितनी है? जी, हूँ। ओ इसे ऑफ कर दो, 8 है आठ है, चार सेलेक्ट कर दो रैम को, 4 GB। और मैं आपकी कितनी है? हाफ करनी है सेलेक्ट, जितनी भी है मेरी 16 16, आप 8 कर लो। और ये एंटी अलाइजिंग जो है इसको पहले से ये रिपोर्ट कर इसको ऑफ रखूँ। कर दो, इसका कोई काम नहीं है, फारिग है ये। अच्छा ये, अच्छा ये प्रोसेसर के कोर चेक करने आते हैं आपको, कितने कोर हैं आपके प्रोसेसर के, ये भी हाफ सेलेक्ट करने हैं आपने। 4 हैं, दो 4 है ना आपके, करूं, 4 हैं टोटल। 4 है, आप 2 करो। और मेरे कितने होंगे मुझे नहीं ऑटोमेटिक विनर पता। है ना, तो आपके कितने, वो बहुत आपका कम ही? कर दे। नहीं, कुछ नहीं होता भाई, आपने गेम स्मूथ चलेगी आपके, आप मान लो ना मेरी बात, एक मतलब खेल बल्कि के देखना फिर 8 है, बताना। 8 है, आप 4 कर लो। इसमें 8 शो करा रहा है। एक मिनट, मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है, मैं उसे देखता हूँ कितने। नहीं, सॉफ्टवेयर से कैसे देखने हैं, इसमें टास्क मैनेजर में जाके देख लो, टास्क मैनेजर में जाओ ना, परफॉर्मेंस पे जाओ। एक मिनट, ये भी पता लग जाएगा। और i7 के मैं भी जाऊं टास्क मैनेजर में? जी, टास्क मैनेजर में जाएं, उधर परफॉर्मेंस जाएं, उधर जाके सीपीयू पे क्लिक करें, आपको कोर साइड पे लिखे आ जाएंगे कितने हैं। और 4 है, 4 कोर हैं, 4 थ्रेड हैं। हाँ, आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, और भाई आपके कितने हैं आप भी देखो।
मैं चेक कर रहा हूँ परफॉर्मेंस होंगे। जी परफॉर्मेंस जाकर ना ऊपर सीपीयू लिखा आ रहा है, सीपीयू पे क्लिक करोगे उसका सारा बायोडाटा निकल आएगा साइड पे। हाँ वहां पे लिखा हुआ है 3.5 GHz, उसके नीचे कोर्स लिखे हुए हैं देखो तीसरे नंबर पे कितने हैं वो देखो। उसके नीचे मेमोरी लिखी हुई है, मेमोरी लिखी हुई है 15.9 GB। नहीं, आप परफॉर्मेंस में चले गए हो ना, जी मैं चला गया हूँ। सीपीयू पे क्लिक करना है एक मरतबा, जो सीपीयू लिखा उस पे क्लिक करो। अच्छा आप क्लिक हो गया, ठीक हाँ है। वो अब नीचे देखो और लिखा आ थ्रेड आ रहे गया हैं, थ्रेड है, नीचे देखो लिखा आ रहा होगा कोर्स लिखा होगा कॉर्नर पे देखो नीचे राइट वाले कॉर्नर पे ना, सीपीयू के पे क्लिक करोगे नीचे उसके सारा लिखा आ जाएगा उसका बायोडाटा प्रोसेसर हाँ फोर लिखे हुए, फोर लिखे हुए, बिल्कुल आके अभी कोर फोर ही है। फोर। हाँ कोर फोर है, आप भी टू सेलेक्ट करो। ठीक फिर। अच्छा आप रैम भी हाफ होगी उसके नीचे। अच्छा रेजोल्यूशन आप कितने अपने जो आपके जेन्युइन रेजोल्यूशन है एलईडी की आप आपकी वो कितनी है पता है? 1080 है मेरी है, 1090 1050। एक मिनट रुके मैं चेक कर लेता हूँ होगी डिस्प्ले ना, सेटिंग। 1080 हाँ होगी मेरी तो इतनी है। यही है, टेन वो आपने सेलेक्ट फिफ्टी आपकी कितनी है? 1050 है, 1680 और टेन जो फिफ्टी हाँ जो आपकी रेजोल्यूशन स्क्रीन की है ना वो आपने इधर देनी है, सेम देनी है। सेम रेजोल्यूशन देनी है। चेक कर सकते हैं आपके, आप राइट क्लिक करके पता ना कैसे चेक करते हैं। हाँ मैंने चेक की है, वहीं से चेक कर रहा हूँ। हाँ अच्छा उधर से स्क्रीन डीपीआई क्या होगा? उसको मैं बताता हूँ। स्क्रीन डीपी आप रख लो 240 रखो आप दोनों, आप 240 टू रखो और फोर्टी आप वही हुई है। आपका दूसरा जिसका जोन प्रोसेसर है वो 160 रख ले। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर इसके नीचे तो आपको पता ही होगा वो जो आपका है अपना हेडफोन है और माइक है। ठीक ठीक है, है। हाँ ठीक है। वो अच्छा उसके नीचे मॉडल स्क्रीन आप डीपीआई होती क्या है? स्क्रीन डीपीआई होती है यार इसका ना आपको गूगल पे प्रॉपर पता चलेगा पूरा, मैंने मुझे भूल गया मैंने भी ये होता है यार क्या होता है बोला। अच्छा जितनी ज़्यादा होगी उतना मैं जाके डीपली मतलब वो फायर कनेक्ट होता है ना, मेरा कहने का मकसद है क्योंकि थोड़ा सा फोटोशॉप का काम होता है ना, डीपीआई ज़्यादा होगी डॉट्स ज़्यादा होंगे, तो ये हो मेन जी उस जी डॉट जी पे आप वही जाके होता है। क्लिक करेंगे तब हेडशॉट लगेगा। इसको जितना कम रखें उतना ठीक नहीं है? नहीं, इसको आप ना अपना जिसका हैवी है वो ज्यादा रखे, जिसका पीसी हल्का है वो कम रखे। सही हो गया, चलें ठीक है, आगे टू आ जाओ। फोर्टी में रख हाँ लिया। सही है, आगे मॉडल पे आ जाओ। मॉडल पे आके आपने ना इधर सेंड करना है अपना शाओमी 5 करो सेलेक्ट। तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, डिफॉल्ट है, रॉग 2 है और तीसरे नंबर वाला है शाओमी MI5 सपोर्ट एरिना ऑफ वैलोर। आ रहा है लिखा हो गया हो जी। गया, ठीक है जी जी हो उसके गया। सही, नीचे गेम पे आ जाएं, गेम पे आ जाएं आप। गेम पे आ गए। अच्छा इजियर आपने ना 10 ये अपना HD पे रखना है इसको फर्स्ट को। 1080 पे फर्स्ट वाला सही, मेरा ठीक है। ठीक है। इसको स्मूथ गेम डेफिनेशन है ना, नहीं, जो गेम गेम डेफिनेशन डेफिनेशन जो है ना, इसको HD पे रखना है, SD पे नहीं रखना, 720p पे ठीक नहीं है, रखना, इसको 1080 ये पे HD रखना पे है है। ठीक है। जी, आगे 1080 नीचे पे है जी, आगे ग्राफिक क्वालिटी है वो आपने HD पे रखनी है, ऑटोमेटिक हो गया आपने HD पे HD कर हो देनी गई, है। ठीक है। FPS आपने 60 पे रख स्मूथ देने थी हैं, HD पे, FPS आपने 60 पे FPS रखने मेरे हैं। 90 हुए में। आपका जो है अपना मॉनिटर वो 90 सपोर्टेड है, 90 FPS। जी, 90 स्पोर्ट कर रहा है, ठीक है फिर, ठीक है फिर आप रखें कोई मतलब मसला स्पोर्ट नहीं कर रहा है तभी आ रहे हैं ना, जी। जी जाहिर सी या बात है, मुझे इसका करना भी चाहिए चेक करने का 60। तरीका होता अच्छा, है, मैंने चेक किया था, मेरा तो 60 है, रेगुलर है मेरा तो आम जो होता है। तो ठीक है आपके अगर 90 आ रहे हैं तो ठीक स्क्रीन है स्टार्ट होता है 60 Hz शो कराता है, जी। 1080 और 16 Hz शो कराता है स्टार्ट होते हुए। नहीं, वो छोड़ दो आप, आपका मॉनिटर जितना सपोर्टेड होगा ना ये उतना ही देगा, उससे ज्यादा देगा ही नहीं। चले हाँ 90 दे रहा है, मतलब इतना ही है, नहीं तो इससे हाँ ज़्यादा भी 90 देता। 90 दे रहा है, मैंने 90 पे करके देखा ना, मेरा 60 FPS सपोर्टेड है मॉनिटर, ये 90 पे जाता ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, हाँ सही आपने सही मेरा 60 पे 90 कर पे जा रहा है, लिया मतलब बस होगा ठीक है एक फिर। बार। हाँ जी होगा, आपने 60 पे कर लिया इसे। सही, ओके इसको सेव कर दो कर लिए सेटिंग को। कर
सेव कर दो। अच्छा यार भाई, अब एएमडी वाले जो भाई है ना, उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है, वो ओपन जीएल पे उधर से कैसे सेटिंग करेगा, या मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी, चले कोई क्योंकि नहीं, उतना मेरा इतना एनवीडिया इशू का नहीं है। आप एनवीडिया का आप कंट्रोल पैनल खोलो जाके उधर डेस्कटॉप पे, खोली ये कंट्रोल पैनल ठीक है, है? 1 मिनट खुल रहा है, जी, मैं थोड़ी चला थोड़ा टाइम। हाँ रहा जी, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, है, खुल गया। खुल गया। अच्छा इस पे ना आपका देखें इधर होगा, मैंने जो 3D सेटिंग लिखा हुआ है उस पे क्लिक करो, सही, मिल गई, मिल गया, उधर आ जाओ। आगे ऑप्शन लिखा मिल हुआ गया। है, आगे दो पॉपअप हैं, एक है ग्लोबल सेटिंग, एक है प्रोग्राम सेटिंग। सही, ओके, प्रोग्राम सेटिंग पे क्लिक कर दो, कर क्या दिया। हो गया? अच्छा अब नीचे सारी चीजें आ कैसे रही हैं, लिखा? अपने माउस के क्लिक से ना, मतलब नीचे को जाओ, नीचे देखो लिखा आ रहा है कूडा जीपीयू, जीपीयू ऐसे लिखा आ रहा है, कूडा जीपीयू लिखा हुआ आ रहा है, हाँ आ गया, उसके साइड पे क्लिक करो, करके उसको ना ओके आप okay। यूज दिस जीपीयू, आपका वो तो मॉडल आ रहा होगा उधर अपना ग्राफिक कार्ड का, लिखा होगा एनवीडिया 750 Ti, वो सेलेक्ट कर दो, ठीक है, कर दिया। कर दिया। अब मेन सेटिंग है, इसके नीचे चार लाइनें छोड़ के आ रहा है ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू लिख के आ रहा है, देखें आ गया, इसको अपना जीपीयू सेलेक्ट करो, इधर भी ठीक है, हो गया। हो गया। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आगे लिखा है पावर मैनेजमेंट मोड, उधर ऑप्टिमल पावर पे करो इसे, ऑप्टिमल ठीक है, में कर दिया, अप्लाई कर दो, बस इतना काम है। ओके। अब आप गेम चला के देखो। अच्छा मेरी दूसरी बात सुनो, आपने ये जो है आपने तो क्या कहते हैं की मैपिंग, वो कौन सी रखी हुई है, मतलब 720 रखी है, वो भी 1080 पे सेट करो, अपनी जितनी की है ना आपकी, वो आ रहा होगा ये कहाँ से ऊपर, होगी? मैं बताता हूँ। आपकी गेम खोलो, गेम चल रही है ना, ये चल रही है, पहले सबसे एक चीज देखो, आप FPS देखो अपने कितने आ रहे हैं, हेल्प बॉक्स आ रहा है ऊपर, देखो ऊपर जिधर जिधर मिनिमाइज करते हो तो हेल्प बॉक्स आ रहा है, गोल सा आ बना रहा हुआ है। है जी, उस पर क्लिक करके FPS चेक करो अपने, शो FPS करो, देखो कितने आ रहे हैं साइड पे आ जाएंगे, 57 आ रहे हैं, फिफ्टी जबरदस्त। नाइन हाँ अब ठीक फिफ्टी है एट फिफ्टी जी, नाइन जबरदस्त चल गई गेम अब आपकी, ठीक है। अच्छा अब आप ना ये इसके साथ देखो, जिधर बैक जाने का ऑप्शन है उसके साथ ही ना की मैपिंग है, की मैपिंग लिखा होगा सही। की उसको सेलेक्ट करो, मैपिंग नहीं, 1 मिनट आ एक रहा होगा, मिनट देखें अच्छा, की मेरी आ मैपिंग रही है ट्वेंटी सही फोर FPS नॉर्मल है या खराब कर है? दिया उसे सिलेक्ट। एक मिनट मैं बताता हूँ, इधर आप देखें आप कौन सी की 720 यूज कर रहे हो, साइड पे लिखा होगा 1080 है, 1080 स्मार्ट है ना, 1080 है हाँ, बस ठीक लेकिन है। फिर वो भी कोई बटन काम नहीं करता है सही से। इसका ग्लीच है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे दूर होता है वो। आप ना मतलब एक मरतबा कंट्रोल्स में जाके सारी जितने भी इसके ऊपर बटन आ रहे हैं ना, आपने क्या लोगों रीसेट कर देना है सारी कीज को, ठीक है? रीसेट करने के बाद आपने सिर्फ कैसे होनी है? हाँ मैं बताता हूँ आप ना, एक मिनट उस भाई को बात मुझे सुने दो जी, मोजम भाई क्या कह रहे हैं आप, एक मिनट, कितने FPS आ रहे हैं आपके, बताओ आप। मेरे आ रहे हैं 24 आ रहे हैं। तो ये भाई ये तो ज्यादा है ना आपकी गेम, कैसे होगी जी 24 FPS आप कह रहे हो, उस भाई की मैंने सेटिंग करवाई है उसके पूरे 60 आएंगे, जब रश में खेलेगा तो ज्यादा से ज्यादा नीचे गए ना तो 45 से नीचे नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गए तो। ये मतलब मेरा प्रॉब्लम है कि इस वजह से ट्वेंटी जी जी फोर जो है वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम है, नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए इतने, बहुत सही कम सही आ रहे हैं सही आपका, जितना हैवी पीसी है ना आपका, आपके तो मेरा सही। तो आपके तो जाने नहीं चाहिए नीचे, 70 से नीचे नहीं जाने चाहिए। आप पहले एक ये चीज चेक कैसे अपने करो ग्राफिक्स कार्ड की यार, सेटिंग मैंने देखी ना? AMD का ना ग्राफिक सेटिंग, मुझे ना इस पे थोड़ा सा ना टाइम चाहिए होगा, मैंने क्योंकि यूज नहीं कभी किया, मेरा पहले भी एनवीडिया का था और अब भी एनवीडिया का ही है, तो सही सही आपने कुछ नहीं करना, बाकी सारी सेटिंग वही है जो इस भाई की है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने इसका कंट्रोल पैनल पे जाके सेटिंग करवाई है ना भाई की, वो आपने AMD की अच्छा देखनी है नेट पे कि हाँ यार AMD को मैंने मतलब स्पेसिफिक अपने ग्राफिक कार्ड को कैसे सिलेक्ट करना है ओपन जीएल पे, मतलब आपने उसके अंदर मूड शेड ठीक होगा हो ना गया। उसको वैसे आपने मैंने इसको ओपन जीएल पे नॉर्मली करना है। गेमिंग पे रखा हुआ है।
नहीं, ओपन जी एल पे करोगे ना उसको आप, तो फिर बेटर परफॉर्मेंस देगा। अब इस भाई का जितना लोड है ना गेम का, जितना भी लोड है वो सारा जीपीयू पे है, सीपीयू पे नहीं है। जीपीयू पे आपका कितना परसेंट आ रहा है जी? मेरा 15 आ रहा है और रैम पर 45 आ रहा है। वो ठीक है, रैम 45 ठीक है, सीपीयू पे कितना है ये बताओ। बल्कि नहीं नहीं सॉरी, जीपीयू जीपीयू पे 0 या 16 आ रहा है और सीपीयू पे 25 है और रैम पर 45 है। 25 अभी आ रहा है ना, अभी आप खेल नहीं रहे, जब आप खेलोगे तो सीपीयू आपका 100 पे जाएगा मेरा ख्याल है। नहीं बल्कि i7 है, नहीं जाएगा, सही सही नहीं सही। जाएगा, नहीं जाएगा, और जीपीयू जो है वो मेरा 0 आ रहा है, 0 या 16 तक उसकी हो जाता उसका है, इससे ऊपर नहीं जोर ही जा नहीं रहा। लग रहा ना, उसका जोर नहीं लग रहा। इसको आप छोड़ दो, ये मेरे भी सही नहीं बताता, इसको आप छोड़ो, लेकिन आप बेसिक सेटिंग करोगे ना, सही तरह से यूज करोगे उसको, तो मजा कराएगी गेम आपकी, जरा भी गेम लैग नहीं होगी। और आपका एम अच्छा, एक और बात है, मुझे नहीं लगता था जी कि यार इसके एम पे कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन खुदा की कसम एम पे बड़ा फर्क पड़ता है। आप ओपन जीएल पे खेलोगे ना ये सेटिंग के साथ, आपका एम जी इतना परफेक्ट हो जाएगा ना, आपको होगा यार मैं तो बुद्धू था पहले, पता नहीं कैसे खेलता रहा हूँ ये। ठीक मैंने बड़ा टाइम जाया सही हो किया गया। है, बड़ा खपा हूँ इन चीजों पे, बड़ा ही खपा हूँ, बड़े पंगे ले लेके मुझे सारी सेटिंग ये समझ आई है। साल 1.5 साल मैं वैसे खेलता रहा हूँ सही गेम, जिस तरह आप खेल रहे हो ना, इसी तरह खेलता रहा हूँ अच्छा। सही, साल 1.5 साल हमने खेलता रहा तो हूँ। बाद गुजार में ही पता लिए चला साल 1.5 साल। है बाद में पता चला यार ऐसे होता है। अच्छा आप ठीक भाई मुराद भाई किधर थे हम भला? हाँ की मैपिंग, अच्छा इसका गलीच है, ये हर बंदे के साथ ही है, जी, मैं बताता हूँ कैसे नहीं वो कैसे सही करते हैं। आपने ना, हम ये की मैपिंग कर रहे थे। हाँ, आपने ना वो की मैपिंग पे जाके ना रीसेट कर देना सारे कीज को, मैं करवाता हूँ यार वो भी आपको। ठहरो मैं स्ट्रीम बंद ही कर लूँ, मेरा ख्याल है।